अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निमरा व्लॉग्स। गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही चिकन कोरमा। वैसे तो आपने कोरमा की बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, बट दिस वन इज़ रियली यूनिक येट सिंपल रेसिपी। यू कैन मेक इट इन चिकन, बीफ और मटन, वट एवर यू लाइक। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ डिलीशियस रेसिपी, शाही चिकन कोरमा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट हम कम ऐड करेंगे क्योंकि कुकिंग के दौरान हम कोरमा मसाला ऐड करेंगे और कोरमा मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट, दही। दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के बाद मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल लिया और 2 मीडियम साइज प्याज लेकर उनको बारीक स्लाइसेस में काट लिया। अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने वाला है ऑलमोस्ट। एज यू सी, हमने प्याज गोल्डन ब्राउन करके उनको एक अलग प्लेट में निकाल लिया। इसको हम बाद में ब्लेंड करके ड्यूरिंग कुकिंग इसमें ऐड करेंगे। अब मैं होल स्पाइसेस, जिसमें है दालचीनी का टुकड़ा, इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 बादियान का फूल, इन सबको ऑयल में सौते कर लेंगे। ये वही ऑयल है जिसको हमने प्याज ब्राउन करने के लिए यूटिलाइज़ किया था। होल स्पाइसेस को सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। सात से आठ मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून रेड क्रश्ड पेपर और इसको कर लेंगे मिक्स। उसके बाद मैंने टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड किया, 2 टेबलस्पून कोरमा मसाला ऐड किया। कोरमा मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कोरमा मसाला ऐड करने से कोरमा की खुशबू और जायका दोनों इन्हेंस हो जाएंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद अब इसमें ऐड करूंगी 1 कप दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही ऐड करने के बाद मैंने 8 से 10 बादाम लिए और उनको दही में ग्राइंड कर लिया और मैंने वो पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। ग्राइंडेड ऑलमंड का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और इसको दोबारा से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से कुक किया और इसमें अब मैंने ऐड की ग्राइंडेड प्याज जो कि हमने पहले से ब्राउन करके रखी हुई थी। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से कुक करेंगे, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी और जो सारे स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट भी चिकन में अच्छी तरह जा चुका होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो शाही कोरमा है वह बिल्कुल तैयार है। इसकी ग्रेवी को आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा भी कर सकते हैं।
अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही यमी एंड डिलीशियस शाही कोरमा रेडी है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें। आप इसी रेसिपी को फॉलो करें, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत यमी एंड डिलीशियस लगेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।